श्री शिवाय नमस्ते व्योम। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही स्वस्थ होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही खास उपाय लेके आई हूँ। आपके भाई के लिए जो कि ऐसा उपाय करेंगे कि जिससे कि आपके भाई की जो आर्थिक परेशानियाँ हैं उसका बिल्कुल आर्थिक जो परेशानी का सामना कर रहे होंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और जब जो कि धन लक्ष्मी की कमी होगी वो भी ठीक होगी। और अगर वो इधर उधर भटक रहे हैं और उनकी नौकरी नहीं लग पा रही, व्यवसाय सही नहीं चल रहा, तो ऐसे ही आपके भाई के ऊपर रक्षाबंधन के दिन ये कुछ खास उपाय करेंगे, एकदम ही आपके भाई के पास मालोमाल हो जाएगा, बिल्कुल करोड़पति हो जाएगा, पैसा एकदम आना शुरू हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके भाई को कि कैसे और कहां से पैसे का स्रोत खुल गया। तो ऐसे ही कुछ खास उपाय मैं आज आपको बताऊंगी कि राखी पे आप क्या कर सकते हैं अपने भाई के लिए। रक्षाबंधन के दिन आपने करना है इस उपाय को। और अपने भाई को जैसे हम रक्षाबंधन बांधते हैं, और ये अक्सर आपको पता है कि सनातन धर्म में और हिंदुओं के धर्म में ये बहुत पूर्व टाइम से चला आ रहा है रक्षाबंधन, कि भाई को रक्षाबंधन बांधते, राखी का एक धागा बांधते हैं और उससे वो अपनी बहन की रक्षा के लिए कसम खाते हैं, और साथ ही साथ बहन उनकी दीर्घायु और उनकी रक्षा के लिए बंधन करती हैं और उनकी रक्षा करते हैं भाई। तो ऐसे ही कुछ ये प्रेम का बंधन चला आ रहा है रक्षाबंधन, भाई बहन के प्यार का, और ये पहले टाइम से ही है। और इसमें क्या खास उपाय ऐसे आपको करने हैं, जैसे कि ये पूर्णमासी पे, सावन की पूर्णमासी पे रक्षाबंधन का टाइम होता है, और इसका सही टाइम और मुहूर्त क्या है वो भी मैं आज आपको बता देती हूँ। जैसे कि बीच में अभी ये भद्रा काल लगा हुआ है 30 की सुबह से, तो ये राखी का मुहूर्त पूर्णमासी का कब का बन रहा है वो बता देती हूँ आपको, कि रात्रि के टाइम 9 बज के 1 मिनट से शुरू है पूर्णमासी का टाइम राखी का मुहूर्त रक्षाबंधन का, और सुबह 7 बज के 5 मिनट तक का है ये मुहूर्त, जो कि आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। पूर्णमासी का ये शुभ मुहूर्त है रक्षाबंधन का, तो इस टाइम पे राखी बांधनी हो, और ऐसे ही राखी बांधने के टाइम पे आपने अपने भाई की रक्षा और उसकी मतलब उसकी आर्थिक परेशानी का कैसे खास उपाय करना है। जैसे आप सुबह नहा धो के अपने भाई को राखी बांधते हैं, तो राखी आप सुबह के टाइम पे भाई को बांध दें। बांधने के टाइम पे आपने एक गुलाबी रंग का कपड़ा या लाल रंग का कपड़ा लेना है, लेके उसमें एक सिक्का रख लेना है, कुछ छोटे थोड़े से अक्षत रख लेने हैं, 11 या 21 दाने अक्षत के रख लें, और एक आप सुपारी रख लें, उस पे एक लाल कुमकुम लगा दें सुपारी पे। ऐसा करके अपने भाई की ये पोटली बना लें, बना के राखी जैसे आप बांधेंगे उसी टाइम ये पोटली भी भाई के हाथ में बांध देनी है। ऐसा बांध देने से ये इतना अच्छा खास उपाय होगा धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, कि आपके भाई के पास एकदम ही बेथा पैसा आना शुरू हो जाएगा, और उसके ऊपर जो संकट चल रहे थे, जो परेशानी समस्या का परेशानी लिख कर रहा था, वो आर्थिक दिक्कतें चल रही थी, वो सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। बस उस पोटली को पूरा दिन बंधे रहने दे हाथ पे, उसके बाद आपने अगले दिन नहा धो के उसको पूजा घर में रख के धूप और दीप दिखा कर उसके बाद आपने उस पोटली को अपनी धन लक्ष्मी की जगह पर रख देना है। ऐसा अगर खास उपाय दोनों भाई बहन कर लेते हैं तो उसमें भाई के घर में धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी, धन के जो स्रोत होंगे वो एकदम रुके हुए चलने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहन ज़रूर करें, और जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं अपनी बहन को शेयर करें, जो बहन देख रही है अपने भाई को शेयर करें, ये खास उपाय ज़रूर करें राखी वाले दिन, क्योंकि शुभ मुहूर्त है। और ऐसा संजोग जो इस टाइम 19 सालों के बाद आया, ऐसा अगर आप कोई भी खास उपाय इस टाइम करते हैं तो आपके भाई की इतनी रक्षा होगी, इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, और आपके भाई की आर्थिक परेशानी एकदम दूर हो जाएगी। तो ये मौका बिल्कुल भी गंवाना नहीं। दूसरा उपाय, अगर आपके भाई की नौकरी लगती है और एकदम छूट जाती है, व्यापार चलता है और व्यापार रुक जाता है, तब बहन को करना क्या है कि भाई की रक्षा जब आपने राखी बांधी उसी टाइम ही थोड़ी सी फिटकरी लेनी है, फिटकरी लेके और भाई के ऊपर से सर के ऊपर से घुमा लेना है, घुमा के और उसे ले जाके तुरंत के तुरंत उसे गैस पे रख के और जला देना है, या तो आप उसे किसी चौराहे में या बहते हुए पानी में डाल दें। ऐसा आप कर देंगे उपाय, तो फिर आपके घर आपके भाई का जो बिजनेस रुक रहा होगा, जो उसमें थोड़ी सी समस्या आ रही होगी या उसकी नौकरी छूट जा रही होगी, नौकरी नहीं लग रही, तो एकदम भाई के ये
चीज़ें प्रॉब्लम जो चल रही होगी एकदम ठीक हो जाएगी, और घर के जो नौकरी के समस्या चल रही है, आर्थिक परेशानी की, धनलक्ष्मी की, वो सारी समस्या दूर हो जाएगी। और अगर कोई इंटरव्यू रह जाता है, कोई परीक्षा में आपका भाई रह जाता है, तो आपने करना क्या है कि जैसे कि आप सुबह राखी वाले मुहूर्त पे आप उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, आपने अपनी थाली प्लेट तैयार करेंगे, वैसे सात लौंग रख लेनी है, सात लौंग रख लेनी है। और जब अपने भाई को राखी बांधे, सात लौंग उठा के आपने माता लक्ष्मी के समीप रख देनी है। रखने के बाद उस टाइम तक रखा रहने दे, शाम को उठाएं, उठा के भाई को दे दें लाल कपड़े में बांध कर। और जब भी भाई इंटरव्यू के लिए जाता है या किसी परीक्षा के लिए जाता है, तो वो अपनी जेब में या अपनी पर्स में रख के जाए, उसका कभी भी इंटरव्यू, कभी भी उसकी कोई परीक्षा नहीं रह जाएगी, और हमेशा वो क्लियर आएगा और एकदम ही उसकी नौकरी लग जाएगी। जो भी अगर सरकारी नौकरी के लिए भी अगर तैयारी कर रहा है, तो इतना इस टाइम महासंजोग बना हुआ है, जो कि आप ऐसे छोटे छोटे से उपाय करके अपने भाई की रक्षा बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। सिर्फ राखी बांधना ही नहीं होता कि आपने राखी बांधी और बस हो गया, लेकिन जो भाई की समस्या परेशानी चल रही है, अगर बहन को मौका मिलेगा तो कोई भी बहन ये नहीं चाहेगी कि हमारे भाई के घर में पैसा ना हो या हमारा भाई तरक्की ना करे। तो इसलिए ये खास उपाय बहनें ज़रूर करें और करके अपने भाई को बहुत ही अच्छी जगह पे पहुंचा सकती हैं, उनका धन लक्ष्मी का करवा सकती हैं लाभ, साथ ही साथ उनकी नौकरी छूट जा रही है तो वो भी कर सकते हैं। और अगर कोई और समस्या है या कोई और अड़चन है, जैसे कर्जा है या कोई और दिक्कत चल रही है, तब आपने करना क्या है कि जैसे कि नहा धो लेते हैं सुबह के टाइम पे, स्नान करने के बाद आपने हनुमान मंदिर जाना है, हनुमान मंदिर जाएं और जाके आपने हनुमान जी को एक नारियल चढ़ा देना है, साथ ही साथ मिठाई लेके जाना है, मिठाई नारियल दोनों चढ़ा देना है, और एक राखी लेके जानी है। एक राखी हनुमान जी को बांधे, भाई समझ कर बांधे, भाई को समझ कर बांध के, और उसके बाद आप हनुमान जी के आगे सारी अपनी दुख और सारे संकट अपने भाई की और अपने बारे में कह दें, और कह के उसके बाद वहाँ से वो राखी लेके आए ला के, और आपने तुरंत ही अपने भाई को बांध देना है। वो ऐसा रक्षा कवच बन जाएगा जो कि कोई भी बहन नहीं बांधती रही होगी, और ऐसा खास उपाय करके अपने भाई की रक्षा भी करे, साथ ही साथ उसकी हर एक धन की और तंगी की परेशानी जो चल रही थी वो चीज़ें भी ठीक करें इस खास उपाय के साथ में। और आपके ऊपर भी बालाजी की कृपा बनी रहेगी, साथ ही साथ हनुमान जी की कृपा आपके भाई के ऊपर भी बनी रहेगी, वो रक्षा कवच बन जाएगा और आपके भाई की अच्छे से रक्षा होती रहेगी, साथ ही साथ धन लक्ष्मी का वास होने लगेगा। उसके जो भी संकट होंगे, जो उसके ऊपर बाधा होगी, जो उसके ऊपर परेशानियाँ, वो भी बालाजी तुरंत ही काट देंगे। तो ये छोटे छोटे से खास उपाय कैसे लगे, अगर आपको अच्छे लगे तो आपने इसको ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और अगर आप बाला महाराज जी की कृपा चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जय बाला महाराज जी ज़रूर लिखे जाके, जय हनुमान जी ज़रूर लिखे, जय जय राम ज़रूर लिखे। अगर ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी और आपके भाई के ऊपर भी, आपके ऊपर भी। और चौथा उपाय आपने करना क्या है, राखी के अगले दिन सुबह नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो जाएं, उसके बाद सुबह भोर में 5:30 से 6 बजे के बीच में, सुबह का मतलब ये होता है कि जो ब्रह्म टाइम होता है, आपने नहा धो के फ्रेश होके और उसके बाद अपने मंदिर में पहुंच जाएं। मंदिर में पहुंचेंगे तो आपके जो कुल देवी है, जो देवी देवता हैं आपके, आपने उनकी पूजा अर्चना करनी है, उनको भोग लगाना है। और भोग क्या लगाएंगे, आप मोतीचूर के लड्डू लगाएं, ठीक है। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो आपके देवी देवता भी खुश होंगे, साथ ही साथ बाला महाराज जी भी खुश होंगे, आपके ऊपर भी कृपा बनी रहेगी, आपके भाई के ऊपर भी कृपा बनी रहेगी कि आप सालों साल ना तो आपके भाई के घर में पैसों की और धनलक्ष्मी की कमी होगी और ना तो कोई मंगल कार्य रुकेगा, सारे कार्य। तो इसके बाद आपने कौन सा उपाय करना है कि सुबह नहा धो के, जैसे कि आप बिल्कुल स्नान करके तैयार हो जाते हैं और राखी के लिए, तो उसके पहले आपने सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्य भगवान को जल कैसा देना है, सूर्य भगवान को जल देने के लिए एक तांबे का पात्र ले लें, उसमें थोड़े से अक्षत डाल लें और एक लाल रंग का फूल डाल लें, और अपने भाई की लंबी दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ा देना है। ऐसा करने से आपके भाई की रक्षा होने लगेगी, जो भी आपके भाई हैं, और साथ ही साथ आपकी भी रक्षा होगी। सूर्य भगवान अगर आपकी कुंडली में खुश हो जाते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे, और आप अपने भाई का नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो
तो भाई की भी अच्छी रक्षा होने लगेगी और साथ ही साथ उसकी कुंडली का भी जो भाग्य विपरीत में जा रहा था वो भी अच्छे से सही हो जाएगा और चलने लगेगा। तो इस तरीके से धनलक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं आप।